हम हमारे गांव में फ्रेश होके और निकल चुके हैं भैरव बाबा की यात्रा के लिए, और हमें समय लगेगा 1 घंटा। मैं और हमारे जीतन भाई दोनों बाय द बाइक, वी आर द बाइक राइडर, 1 घंटे में पहुंचा देंगे, देखते हैं और कितना समय लगाते हैं। आज अपने गांव में ही देवस्थान बैठाने के लिए प्रोग्राम रखा है, तो यहां पे हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, और खाने में क्या है वो बताता हूँ आपको। ये है खीर पुआ, देसी डिश। काफी क्राउड है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चालू है, पूरे कम से कम 1 लाख लोगों का खाना है आज यहाँ पे। ठीक है, आज हम आए भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, आज अच्छा, और हमारे साथ है हीरालाल जी पटवारी जी और दीपक जी पंचायत पटेल, ग्राम पंचायत जटवाड़ा। रसिंग करते हैं, लाल कर दिया। हीरा सिंह पटवारी जी भैया, ये बाबा का दरबार लगा हुआ है। आज है भैरव की बड़ी छठ, आजकल उपस्थिति में वायलेंट लग रही है। हाँ, तो भी मिल रही है, कोर मिल रही है, क्या बात है, गाय के गोबर की, गोबर की यहीं तो ले जाएंगे, यहाँ के भैरव के कोर है, हम तो आई है, हर चीज में बिजनेस है गोर पब्लिक को। ये भैया यहाँ का नजारा, तेरे कौन फोन है? मेरे ओप्पो रेनो 3 है, प्रो पुरानो है हमारो यार। रेनो 3 तो नहीं, तो है हाँ, 2 साल है, तो 2 साल है। यात्रा संपूर्ण हो गई है और हम निकल रहे हैं कैला देवी जी, ये पूरा मंदिर परिसर है यहाँ पे जो कि भैरव बाबा का, और हम यहाँ से निकल गए अभी दोस्तों, और मैं आया हूँ हमारे यहाँ पे खोरी मैया का जो दरबार है यहाँ पे, और इसके बाद हम जाएंगे कैला देवी जी। ये है खोरी माँ का दरबार, और आ गए हम यहाँ पे भैया, और हम चल दिए। बोल जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की।
अभी हम पहुंच गए कैला देवी माँ के टेंपल में और यहाँ पे थोड़ा तो माता रानी को गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं, इसके लिए पट बंद है। अभी थोड़ी देर में खुलेंगे और हम दर्शन करेंगे। जयकारा शेरा वालिदा, ओल सांचे दरबार की जय। मंदिर के दर्शन के लिए जो दरवाजा लगा हुआ है